نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم सूरत सौद की आयत नंबर 55 ता आयत नंबर 64। इससे कबल अहले जन्नत और जन्नत की नियामतों का तस्करा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। कुरान हकीम का उसलूब यही है कि वो मोमिनीन और कुफार में से एक के बाद दूसरे का तस्करा जरूर करता है। पहले अहले ईमान का तस्करा हुआ तो अब काफिरों की सजा को बयान किया जा रहा है। सरकश लोगों के लिए जहन्नम बजात खुद एक सजा है। जहन्नम भड़कती हुई आग का नाम है। फिर इसमें तरह तरह की और भी सजाएं हैं, मसलन उनको पीने के लिए खोलता हुआ पानी दिया जाएगा और इसमें भी जहन्नमियों के जख्मों की पीप मिली हुई होगी। इसी तरह के और भी अजाबों से उनको साबका पड़ेगा। एक सजा ये भी होगी कि फरिश्ते पहले सरदारों को यानी जिनकी इत्तबा की जाती थी उनको दोजख में ले जाएंगे, फिर उनका इत्तबा करने वाले यानी उनके चेलों को हाँक कर ले जाएंगे। तो वो बड़े यानी वो सरदार जब अपने चेलों को आता हुआ देखेंगे तो कहेंगे ये भीड़ भी तुम्हारे साथ दोजख में दाखिल होने के लिए आ गई। फिर जब वो करीब आएंगे तो कहेंगे तुम पर खुदा की मार पड़े, तुम भी जहन्नम का ईंधन बनने के लिए आ गए। तो वो चेले जवाब देंगे तुम पर खुदा की मार पड़े, तुम ही तो ये मुसीबत हमारे सामने लाए हो और तुम्हारी ही वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। दोजख में पहुंच कर काफिरों की निगाहें उन मुसलमानों को तलाश करेंगी जिनका वो दुनिया में मजाक उड़ाया करते थे, मगर वो मुसलमान उन्हें कहीं भी नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो तो जन्नत में होंगे। काफिर हैरान होकर कहेंगे क्या बात है, हमें वो लोग नजर ही नहीं आ रहे जिनको हम बुरा समझते थे। क्या दुनिया में गलती से हमने उनकी हंसी उड़ाई थी या वो दोजख में हैं और हमारी नजर नहीं पड़ रही उन पर, मगर बाद में उनको पता चलेगा कि वो तो जन्नत में हैं, नियामतों के अंदर हैं, अल्लाह ताला ने इनामात में रखा हुआ है। तो उस वक्त जो उनको हसरत होगी उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता और ये हसरत भी जहन्नम में एक तरह की सजा ही है जो उनको मिलती रहेगी। इरशाद फरमाया हाजा यानी पहले अहले जन्नत का तस्करा हुआ, जन्नत की नियामतों का जिक्र हुआ, अहले जन्नत को जो इनामात मिलने वाले हैं उनको बयान किया गया। तो यहाँ फरमाया फिर कि हाजा ये बात तो हो गई यानी जन्नतियों के इनामात का तस्करा तो तुमने सुन लिया, अब जरा नाफरमानों का अंजाम भी देख लें। फरमाया वा इन्ना लित्तौगीना लशर्र मआब और बेशक सरकशों के लिए बुरा ठिकाना होगा। जिन लोगों की फिक्र जिनके आमाल और अखलाक खराब होंगे जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत को और अल्लाह के दीन की हुदूद को तोड़ा होगा,
कुफर और शिर्क का रास्ता अख्तियार किया होगा, जुल्म और तअद्दी पर इसरार करते रहे होंगे, बिदआत को रिवाज दिया होगा, सुन्नतों को छोड़ दिया होगा, गुरूर और तकब्बुर में मुबतला रहे होंगे और दूसरों के अल्लाह की मखलूक के हुकूक गसब करते रहे होंगे दुनिया में, तो उनका ठिकाना फरमाया कि बहुत बुरा होगा। और वो कौन सा है? फरमाया जहन्नम, वो ठिकाना जहन्नम है। यसलउनहा, वो उसमें दाखिल किए जाएंगे। फबिसल मिहाद, बस ये आराम करने के एतबार से बहुत ही बुरी जगह होगी, यानी वहां पर कोई आराम उनको मुयस्सर नहीं आएगा। फरमाया हाजा, यही अजाब है। फलियज़ूकूहु हमीमुन वगस्साक, पस चखें इसको खोलता हुआ पानी और बदबूदार पीप है। हमीम के मानी खोलता हुआ पानी जो अहले जहन्नम को पीने के लिए दिया जाएगा। सूरत मुहम्मद में इरशाद फरमाया वसुकू माअन हमीमन फकत्तअ अमआअहुम, जब वो इतना गर्म पानी पिएंगे तो उनके पेट की आंतें कट कर नीचे गिर पड़ेंगी। उस पानी का एक ही घूंट जिस्म के पूरे के पूरे अंदरूनी निजाम को दरहम बरहम कर देगा। और दूसरी चीज गस्साक का जिक्र फरमाया है, और गस्साक जख्मों से बहने वाली पीप को कहा जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर गस्साक का एक डोल दुनिया में फेंक दिया जाए तो तमाम इंसानों और जानवरों की जिंदगी इस बू की वजह से तल्ख हो जाए। बाद मुफस्सरीन हजरात ये भी फरमाते हैं कि हमीम और गस्साक ये दो चीजें हैं। हमीम सख्त गर्म तरीन पानी और गस्साक इंतहाई ठंडा पानी, और उसे दूसरा नाम जमहरीर का दिया जाता है। जिस तरह सख्त गर्म पानी नाकाबिले इस्तेमाल होता है, इसी तरह इंतहाई ठंडा पानी, मुंजमिद पानी भी फायदामंद साबित नहीं हुआ करता। तो मुफस्सरीन कराम गस्साक के दो मानी बयान करते हैं, यानी एक माना इसका पीप है और दूसरा माना इंतहाई ठंडा पानी। और इसके अलावा फरमाया व आखरो मिन शक्लिही अज़वाज, और सजा के तौर पर इस किस्म की तरह तरह की मजीद चीजें भी होंगी जो जहन्नमियों के लिए वबाल बन जाएंगी और वो दर्दनाक अजियत में मुबतला होंगे। अहले जहन्नम को जहन्नम में ले जाकर ये कहा जाएगा कि ये वो जगह है जिसका तुमसे वादा किया गया था, अब इसमें रहो और इसके अजाब को बर्दाश्त करो। अब तुम्हें इसमें खोलते हुए पानी और जख्मों से बहने वाले खून और पीप का मजा चखना होगा। उन्हें खाने और पीने के लिए ऐसी चीजें दी जाएंगी जिनको इंसान की तबीयत बहुत नागवार महसूस करती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इन सजाओं से, आजाबों से हिफाजत फरमाए, अहले जहन्नम वाले अमाल से हमें बचाए, और अहले जन्नत वाले अमाल हमें अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों की दो जमातों का जिक्र किया है। एक जमात उनकी है जो ताबियीन यानी के पैरवी करने वाले, जैसे पहले अर्ज किया कि चेले जो पैरवी करते हैं, इत्तबा करते हैं, और दूसरी वो जमात जिन्होंने पैरवी कराई थी यानी जिनकी पैरवी की जाती है। बातिल तरीके पर पीछे लगने वाले और पीछे लगाने वाले ये सब जहन्नम में दाखिल होंगे, और फिर वहां पर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी भी करेंगे। फरमाया हाजा फौजुम मुक्तहिमुम माकुम, ये एक फौज ग्रोह या जमात है जो तुम्हारे साथ घुसती चली आ रही है। मुफस्सिरीन कराम फरमाती हैं कि इस जमात से जहन्नमियों के दो तबकात मुराद हैं, जो या तो दुनिया में बातिल तौर पर लोगों से अपनी इत्तबा कराते रहे या वो ऐसे लोगों की इत्तबा करते रहे। इन सब को जहन्नम में दाखिल करने से पहले जहन्नम के किनारे पर खड़ा किया जाएगा, और फिर ये आपस में एक दूसरे पर लान तान करेंगे। यहाँ पर उसी का तस्करा फरमाया है, और फिर आवाज आएगी ला मरहबम बिहिम, इनको खुशामदेद न कहो यानी इनकी आओ भगत न करो।
इन्नहुम सालुन नार, ये तो जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। ये बड़े बड़े कुफर के सरदार हैं जो दुनिया में अपनी बात मनवाते रहे और कमजोर लोगों को अपने पीछे लगने पर मजबूर करते रहे। जहन्नम में पहले से मौजूद लोग हर नए आने वाले ग्रोह के बारे में यूं कहेंगे कि हम तो पहले ही यहाँ इंतहाई मुसीबत में हैं, जगह भी तंग है, गर्मी है, हबस है, और ऊपर से तुम भी हमारे ऊपर धन से चले आ रहे हो। यानी जो नई खेप आ रही है उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। और यहाँ फरमाया कि ला मरहबम बिहिम, उनके लिए कोई कुशादगी न हो। मरहबा के मानी फराखी और कुशादगी के हैं, और ये किसी को खुशामदीद कहने का कलमा है, यानी आइए आइए, तशरीफ लाइए, आपके लिए यहाँ बहुत जगह और हर किस्म की सहूलत मौजूद है। चश्मे मा रोशन, दिले मा शाद, लेकिन उनके लिए वहाँ कोई खैर मकदम नहीं होगा, यानी न तो कोई मरहबा खुशामदीद कहने वाला होगा और न ही वहाँ पर मरहबा कहने के लायक माहौल होगा। और फिर कमजोर लोग और जो पैरवी करने वाले थे, इत्तेबा करने वाले लोग थे, वो जवाब देंगे, قالوا بل انتم لا مرحبا بكم, बल्कि तुम्हें खुशामदीद न हो, انتم قدمتموه لنا, ये तो तुम ही लोग हो जिन्होंने हमारे लिए इस चीज को आगे भेजा है, तुमने ही ये मुसीबत हमारे लिए खड़ी की है, हम तुम्हारे पीछे लगकर गुमराह हुए, तुम्हारी बात मानकर आज हम यहाँ तक पहुँचे और जहन्नम के अजाब तक हम आ पहुँचे हैं। फबिसल करार, ये तो करार पकड़ने की बहुत ही बुरी जगह है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरख्वास्त पेश करेंगे, कालू रब्बना मन कद्दम लना हाजा, ए हमारे परवरदिगार, जिसने हमारे लिए ये मुसीबत आगे भेजी है, यानी जो लोग हमारे लिए अजाब का बायस बने हैं, जिन लोगों ने हमें गलत रास्ते पर चलाया था, जिन लोगों ने हमें गुमराही के रास्ते पर चलाया, खुद भी गुमराह थे, हमें भी गुमराह किया, फजीद हो अजाबन ज़िअफन फिन्नार, ऐसे शख्स को दोजख में दुगुनी सजा दीजिए, उन्होंने अपने साथ हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया। कुरान पाक में दूसरी जगह पर मौजूद है कि जिनकी इत्तबा की जाती रही वो कहेंगे कि तुमने खुद ही गुमराही का रास्ता इख्तियार किया था, तुम अपने इरादे के साथ इस रास्ते पर चलते रहे, हमने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था कि तुम जरूर हमारे पीछे चलो, अब हम पर कैसे तुम इल्जाम लगाते हो। जहन्नम में जहन्मियों का एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, ये खुद ही एक तरह का उनके लिए ज़हनी अजाब होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम में जहन्मियों की एक हसरत और हैरानगी का जिक्र भी फरमाया कि जब वो जहन्नम में पहुंच जाएंगे तो अपने गिर्द व पेश का जायजा लेंगे, देखेंगे, और फिर वकालु मालना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार, कहेंगे कि हम यहाँ उन मर्दों को नहीं देख रहे जिन्हें हम शरीर ख्याल करते थे। अत्तखदनाहुम सिखरिया, दुनिया में हम उनसे ठट्ठा किया करते थे, उनका मजाक उड़ाया करते थे, यानी वो अहले ईमान का तस्करा कर रहे होंगे वहां पर। दोज़ख वाले उनको याद करेंगे और कहेंगे कि हम तो यहाँ पहुंच गए, मगर वो कहाँ हैं जिन्हें हमने दुनिया में अजियतें पहुंचाई, हमने तकलीफें दी, उन पर मसायब हमने ढहाए, तरह तरह से हमने उनको सताया, जिस्मानी रूहानी हर तरह से उनको हमने तकलीफें पहुंचाई। और फिर कहेंगे कि क्या हुआ कि वो लोग यहाँ आए नहीं हैं, या फिर अमजागत अनहुमुल अबसार, या हमारी आंखें उन्हें ढूंढ नहीं सकी, हमारी आंखें गलती कर रही हैं, हम उनको तलाश करने से आजिज हैं, वो कहाँ हैं, हमें नजर क्यों नहीं आते। मगर हकीकी बात तो ये है कि ईमान वाले वहाँ कहाँ होंगे, वो तो अल्लाह की रहमत के मकाम में होंगे, वो दोजख में उनको कहाँ से नजर आएंगे।
تو فرمایا کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اہل دوزخ کا آپس میں اس قسم کا جھگڑا، تنازع اور ایک دوسرے پر الزام تراشی بالکل ایسی ہی ہوگی، یہ آپس میں جھگڑا کریں گے اور پھر دوسروں کے متعلق بھی گفتگو کریں گے کہ وہ کہاں ہیں، تو یہ صورتحال ان کی پریشانی میں مزید اضافے کا باعث بنے گی اور یہ بھی ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ ایک طرف حسرت ہوگی کہ اے کاش جو لوگ آج انعامات میں ہیں ہم نے ان کی بات مانی ہوتی، ہم نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، ہم نے ان کو برا بھلا نہ کہا ہوتا، ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے، وہی راستہ اختیار کرتے جو انہوں نے اختیار کیا تھا، آج ہم بھی انعامات میں ہوتے، اللہ کے رحمت کے مقام میں ہوتے، لیکن ہم نے وہاں پر اپنے وقت کو بھی ضائع کیا، ہم نے دوسروں کی بات مان کر ان کی مخالفت کی تھی، اب وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں ہیں اور ہم عذاب میں گرفتار ہیں، حسرت ہوگی انہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسرت سے بھی بچائیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی سزاؤں عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہوئے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔